इंसानी दिमाग सृजन भी कर सकता है और सर्वनाश भी, और जब ये बेकाबू हो जाए तो बेलगाम दिमाग बेहद तबाही मचा सकता है। ये केस एक ऐसे शख्स के फितूर से जुड़ा है जिसके दिमाग में मचे उत्पात ने कई मासूम जिंदगियों को खौफ में डाल दिया। बहुत हुआ नव्या, आइस क्रीम का नेसा आइसक्रीम नहीं मिल जाएगी तुझे घर। अगर आप मुझे एग्जाम नहीं दिलाओगे तो मैं घर नहीं आऊंगी। नव्या क्यों नाटक कर रही हो? वाह बेटी ने जैसे कसम खा रखी है मुझे तंग करने की। घर चल, फ्रिज में बंद करके तेरी आइसक्रीम बना दूं। कूर क्या रही है, नजर नीचे कर। देवकी नंदन जी आप यहाँ? क्या हुआ, ज्यादा खुश नहीं लग रहे हमें देख के? देखिए देवकी नंदन जी, आप यहाँ पर क्यों आए हैं और आप ये क्या है, ये सब बंदूक? बिना बंदूक चलाए भी हम जख्म दे सकते हैं साहित्य श्रीवास्तव जी, ये तो आपने देख ही लिया है। खैर, अपनी गलती का एहसास हुआ ना, आगे से देवकी नंदन का कोई भी टेंडर रिजेक्ट मत करना। अगर दोबारा पेपर्स पूरे नहीं हुए तो मैं वही करूंगा जो पहले किया था। अरे ये तो सोचो अगली बार हम क्या कर सकते हैं तुम्हारे साथ। कोई चिंता विंता है कि नहीं फैमिली की? साहित्य तुम्हारी भाभी जी, राम राम। मीना यही नाम है ना आपका? आई छुटकी का नाव्या। देवकी नंदन जी रुकिए, सब कुछ जानते हम तुम्हारे बारे में। रामदीन चॉकलेट दो बच्चे को। नो, इसकी कोई जरूरत नहीं। अरे नहीं, जरूरत है, लो बेटा। साहित्य जी नया टेंडर खुल रहा है, इस बार थोड़ा ध्यान रखिएगा। आप भी ध्यान रखिएगा, अगर पेपर सही नहीं हुए तो इस बार भी टेंडर हाथ से जाएगा, समझ लीजिए। ऐसी गलती मत करना, इस बार बहुत कुछ तुम्हारे हाथ से चला जाएगा जो कभी लौट के वापस नहीं आएगा, समझे? सत्यवादी हरिश्चंद्र की छठी औलाद समझते हो तुम खुद को? क्यों रही हो नव्या बाहर? अरे चुप कर तुम, लगी वो ईमानदारी के नाम पे क्या मिला आज तक? हाँ ट्रांसफर और डिमोशन। अरे 12 साल की शादी में 15 बार तो तबादला हो चुका है। भारत भ्रमण करने के लिए शादी की है क्या तुमसे? चैन से एक घर में नहीं रह सकते और ऊपर से ही धमकियां मिल रही है। तुम दोनों को कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना। हाँ तुम हो और ऐसे हो, उसी का तो रोना है। देखो साहित्य मैं बता देती हूँ, अगर तुम्हारी वजह से मुझ पर या नव्या पर कोई भी आंच आए ना तो मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। मिलम मैं भी तो ये चाहता हूँ कि तुम मुझे कभी ना छोड़ो। साहित्य तुम ना ये। अच्छा ठीक है ठीक है, गुस्सा मत हो ना प्लीज। अरे हाँ सुनो, आज रात को ना मेरी बॉस अर्चना मैडम आएगी खाने पे, तो मैं तुझे थोड़ी देर पहले नहीं बता सकते थे? अब आधे दिन में ये घर की सफाई, घर का खाना कैसे करूंगी मैं सब? मैं हूँ ना, मैं मदद करूंगा तुम्हारी। चलो मैं अब करता हूँ। देखो ये लोग कितने तमीज से सब बातें सुन रहे हैं। नव्या मैडम जी जो भी पूछे उसका मुस्कुरा कर जवाब देना, समझी? रुको मैं देखता हूँ। सुनो सब रेडी है ना? जल्दी करो जल्दी। ओह नमस्ते मैडम। नमस्ते, आइए। हाउ आर यू? आई एम फाइन मैडम, आइए। मीना हमारी मैडम अर्चना, ये मेरी बीवी मीना। क्या हुआ अर्चना जी, आप ऐसे क्यों देख रही हैं? मीनू, मीनू की बच्ची, अभी तक याद नहीं आया? जल्दी पहचान वरना शुक्ला सर से बोल के तुझे पनिशमेंट दिलवाऊंगी। अर्चना तू कैसी है, कितने सालों बाद? टू गुड, द फूड इज टू गुड। मैडम सारा खाना मीनू ने बनाया, बहुत अच्छा खाना बनाती है। मीनू तो हमेशा से होना रही है। साहित्य तुम्हें पता है ये हमारी क्लास के सबसे ब्राइट स्टूडेंट थी। इनफैक्ट हम सबको लगा था कि ये इंडिया में सेटल होगी नहीं, अब्रॉड सेटल होगी, है ना मीनू? यही तुम्हारा प्लान था ना? हाँ। तो फिर तुम इस कार्टून साहित्य के चक्कर में कैसे आ गई? साहित्य आई एम सॉरी, मैं मजाक कर रही हूँ यार, डोंट टेक इट सीरियसली। छोड़ ना यार, फिर कभी फुर्सत से बात करेंगे। डन, नेक्स्ट वीक माई हाउस? नहीं होगा अर्चना, कल मायके जा रही हूँ, पापा मुझे और नव्या को लेने आ रहे। मैडम नेक्स्ट वीक के चक्कर में
अभी का डिनर एंजॉय नहीं कर रहे आप, लीजिए ना राइस, लीजिए। पावर ऑफ अटॉर्नी कहते हो उसे पापा? वही वही पावर ऑफ अटॉर्नी। तो वकील साहब ने वो बना लिया है, मैंने बैंक पे बात भी कर ली है, बस सिर्फ तेरा सिग्नेचर हो गया कि हमारा जॉइंट अकाउंट खुल जाएगा। फिर कल मैं अगर नहीं भी रहा तो मेरे जगह तू सारे फैसले ले सकती है। पापा ऐसी बातें मत करो ना। मुझे चिप्स चाहिए। चुप कर, जब देखो तब जंक फूड खाना तुझे बस। अरे इतना लंबा सफर है, भूख तो लगेगी ना। मैं कुछ ना कुछ ले आता हूँ, अभी बस आने में 10 मिनट है। नाना जी मैं भी चलूँ आपके साथ? कोई जरूरत नहीं है, मैं जानती हूँ तुझे क्यों जाना है बदमाश। पापा आप ले आइए, हम यही है। चल बैठ। भैया दो चिप्स देना। मीना आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच्ड ऑफ है। फोन क्यों ऑफ आ रहा है? हाँ पापा। बेटा वो मीना और नव्या तुम्हारे आए हैं क्या? क्या वो तो आप लोग के साथ गए थे ना, यहाँ क्यों आएंगे? देखिए सर अभी 24 घंटे भी नहीं हुए, आप लोग थोड़ा और इंतजार कीजिए, हो सकता है सुबह तक वो अपने आप ही आ जाए। ऐसी बात मत कीजिए सर, देखिए बहुत डर लग रहा है मुझे। देखिए आप लोग बेकार में परेशान हो, आपने उसकी सहेलियों से बात की, हो सकता है वो अपनी किसी सहेली के घर पे गई हो। सर पर क्यों जाएगी मेरी बेटी कहीं? कितने अनाप शनाप चीजें सुनने को मिलती है न्यूज में, मालूम नहीं आपको? मेरे बच्चियों के साथ ऐसा कुछ होगा तब कुछ चाहिए ना यार। अमित क्या हुआ? अरे सर देखिए ना सर, ये मेरी बेटी और नातिन का मिसिंग रिपोर्ट नहीं लिख रहे हैं। सर आप देखिए ना सर। सर अभी 24 घंटे भी नहीं हुए। सर से 5 मिनट हुए होंगे, मैं कुछ सामान लेने गया, आकर देखा कि दोनों गायब है, हमें लगा कहीं वो घर ना पहुंच गई हो, तो हमने जमाई बाबू को फोन किया। पापा वापस क्यों आती मीना? फिर भी सर मैंने पूरा मोहल्ला ढूंढा उन्हें, उनका कुछ पता नहीं चला, पूरा बस स्टॉप छाना लेकिन किसी ने उनको देखा नहीं, उसका फोन भी बंद आ रहा है। सर मैंने कई बार ट्राई किया। क्या आज आप दोनों मियाँ बीवी का आपस में कुछ झगड़ा हुआ? नहीं नहीं सर हमारा कोई झगड़ा नहीं हुआ, तो वो तो बहुत खुश थी। आप पापा से पूछिए ना। पापा पापा हाँ आपने मीना को कुछ कहा क्या? नहीं नहीं सर। अच्छा ठीक है, जहाँ से दोनों गायब हुई थी आप इनके साथ जाइए, इन्हें वो जगह दिखाइए। गाड़ी रोको, यहीं रोको। कहाँ से लाऊं पैसा? एक ऑटो चलाने वाला इतने पैसे का इंतजाम कैसे कर सकता है बेटा? पापा आंटी ने मुझे बोल दिया है कि मैंने 2 दिन में किराया नहीं दिया तो कमरा खाली करना पड़ जाएगा, फीस देने की भी तारीख नजदीक आ रही है, अगर ऐसे रहा तो मेरी तो पढ़ाई छूट जाएगी। मैं पैसे का इंतजाम कर रहा हूँ ना, बस कुछ दिन तुम और संभालो, सब हो जाएगा। ठीक है पापा। पता क्या, आई एम रियली सॉरी कि लैंडलॉर्ड ने निकाल दिया तुम्हें, पर हॉस्टल के कुछ रूल्स होते हैं। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को हॉस्टल में कमरा नहीं मिलता, मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। विजय सर आप प्रोफेसर हैं, अगर आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, मुझे सिर्फ एक लेटर लिख के दे दीजिए तो मेरा दाखिला हो जाएगा, और आप जो बोलोगे ना मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन प्लीज सर हेल्प मी। हाँ मैं देखता हूँ। थैंक यू सर, आप नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। थैंक यू। हो जाएगा तुम्हारा एडमिशन। ओके सर। थैंक्स अक्षम, तुम नहीं होते तो क्या होता मेरा? बस क्या फल है, तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी खरीद सकता हूँ, किताबें क्या चीज है। पानी है क्या? प्यास लग रही है। पानी गाड़ी में तो नहीं है, मैं लेके आता हूँ। हेलो विजय सर, कैसे हो? वो गिफ्ट कैसा लगा मेरा? बहुत अच्छा, आपका दिया हुआ टॉप पहन के आई हूँ। अच्छा सर कॉल यू एट नाइट। या ओके बाय। सर 2 दिन हो गए हैं, कब मिलेगी हमारी बेटी?
उसके साथ हमारे 11 साल की नातिन भी है सर। सर जरा हमारे बारे में सोचिए, रात को नींद नहीं आती, डरावने डरावने खाए रहते हैं सर। आप देखिए, मैं आपकी हालत समझ सकता हूँ, आप बेफिक्र रहिए, वो दोनों जल्दी मिल जाएंगे। ये बताइए, क्या ये मुमकिन है कि मीना खुद अपनी मर्जी से कहीं चली गई? अरे नहीं सर, वो हमें बिना बताए कहीं क्यों जाएगी सर। हम एक जॉइंट अकाउंट खोलने उसे बिजनौर लेके जा रहे थे, जाते वक्त उसने तो बिजनौर के अपने सहेलियों को फोन करके भी बताया कि उनसे मिलने आने वाली है। अगर उसके मन में कुछ और होता सर, तो वो ऐसा क्यों करती, आप ही बताइए सर। अब साहिद के बारे में क्या बताओ साहब, 15 दिन पहले यहाँ आए रहने के लिए अपनी पत्नी और बेटी के साथ। ये साहित्य की पत्नी मीना, इनका बिहेवियर कैसा था? मीना भाभी बहुत भली थी, लेकिन उनकी बेटी बहुत जिद्दी थी। कभी कभार वो अपनी बेटी को डांट देती थी, लेकिन माँ बेटी में बहुत अच्छी बनती है। और मीना और उनके पति में? सर आस पड़ोस में मीना की किसी के साथ अनबन नहीं थी, और ना ही अपने पति के साथ कोई झगड़ा था। वैसे भी दिल्ली में आए हुए सर 15 दिन हुए थे, हो सकता है सर मीना अपने आप से कहीं चली गई। लेकिन मीना के फादर ने बताया था कि मीना ने बिजनौर में अपने फ्रेंड से बात की थी, उनसे मिलने का प्लान भी बनाया था। अगर मीना के जहन में खुद से कहीं जाने की बात चल रही थी, तो मीना इस तरह का प्लान क्यों बना थी? सर मैंने मीना की कॉल डिटेल्स चेक की सर, किडनैपिंग वाले दिन मीना की 3 नंबर्स में बात हुई थी सर। एक नंबर मीना के पिता का है, एक नंबर किसी फूड डिलीवरी ऐप का है, और सर तीसरा नंबर अर्चना यादव का है, जो मीना के पति साहित्य की बॉस है। मिलते हैं अर्चना यादव से। ओके सर। वैसे साहित्य काफ़ी सीधा इंसान है, काम के मामले में उससे ज़्यादा सीरियस और ऑनेस्ट इंसान मुझे आज तक कहीं नहीं दिखा। एक जगह SETAPUR लिखा है, सीतापुर। यस सर। और ये देखिए, एक जगह SITAPOOR लिखा है, सीतापुर। सर पर नाम तो दोनों एक ही है ना? नाम एक है, पर बहस मत कीजिए, कल आइए ना। सर सर ये मेरा एप्लीकेशन। सॉरी सर, 4 बजे तक का वक्त था, यू आर लेट, कल आइए आप। सर ऐसा मत कीजिए, 4:01 तो हुआ है, मेरा बॉस मुझे नौकरी से निकाल देगा। देखिए सर, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, रूल्स आर रूल्स, प्लीज कल आइए। तब तो साहित्य ने अपने इस रवैये की वजह से, आई मीन जिस तरह से आप बता रही हैं कि एकदम रूल रेगुलेशन फॉलो करता, काफ़ी लोगों को नाराज़ किया होगा, काफ़ी लोग उसे नापसंद करते होंगे। जी सर, इनफैक्ट उस पर एक इंक्वायरी भी चल रही है, जब वो लखनऊ में पोस्टेड था तब से। ऐसी इंक्वायरी? किसी ने कंप्लेंट कर दी ईडी को कि इसने रिश्वत ली है। अच्छा, जिस दिन साहित्य की बीवी मीना गायब हुई, मीना ने आपको कॉल किया था, क्या बात हुई थी? वो एक्चुअली अपने सारी फ्रेंड से मिलना चाह रही थी, उसने मुझे भी कन्विंस करने की कोशिश की कि मैं बिजनौर आ जाऊँ, बस यही बात हुई थी। मैम आपको क्या लगता है, आई मीन साहित्य की वजह से इतने लोगों का काम अटका, टेंडर कैंसिल हुए, क्या उनमें से कोई साहित्य के परिवार के साथ ऐसा कुछ कर सकता है? सो पॉसिबल है, जब वो लखनऊ में पोस्टेड था, हो सकता है उसने दुश्मनी मोल ली हो किसी से और उसी ने ये किया हो। शर्मा सर, लखनऊ जाओ। लखनऊ में साहित्य जहाँ पोस्टर था, वहाँ रहते हुए उसने जितने भी टेंडर रिजेक्ट किए थे, सबकी लिस्ट बनाओ। राइट सर। और सर, ये साहित्य लखनऊ में जहाँ रहता था, वहाँ भी इंक्वायरी करता हूँ, अगर वहाँ पे इसकी किसी के साथ दुश्मनी होगी, तो इसके आस पड़ोस में कोई तो जानता होगा इसके बारे में। करेक्ट, पता करो सर। अच्छा, फोन मेरे लिए
थैंक यू। एक सेकंड। यार ये तुम्हारा फोन हमेशा गलत टाइम पे बजता है। यार पापा का कॉल है, बस एक सेकंड। जी पापा। पलक बेटा, मैंने 5,000 रुपए भेजे हैं, किराया चुका देना। अब बहुत जल्दी कोचिंग की फीस भी भेज दूंगा। बस तू मन लगा के पढ़ाई कर। जी पापा, मन लगा के पढ़ाई करूंगी। जी डैडी को क्यों परेशान कर रही है तू? पैसे चाहिए ट्यूशन के लिए, उससे ले ले। Hey, hi. You're looking damn hot, huh? You also looks fine. Biceps अच्छे बनाए। Thank you. You can touch if you want. Not bad. Rocky. पलक। Hey Rocky. दूर रह। मेरी बंदी है। अबे तेरी बंदी खुद मुझे भाव दे रही है। इशारा समझ उसका। और तेरा ना सिर्फ नाम सक्षम है, काम भी नहीं। अबे ओए सक्षम, ज्यादा मत बोलियो, समझा ना, वरना आया कार में जाएगा एम्बुलेंस में। सक्षम चुप हो, तुम चलो मेरे साथ। वो रॉकी तो कमीना है, लेकिन तुम्हें उससे चिपकने की क्या जरूरत थी? सक्षम देखो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, अभी बहुत रात हो गई, तुम घर जाओ, हम इस टॉपिक पे कल भी बात कर सकते हैं। एंड यू नो ना आई लव यू। अब तुझे दिखाता हूँ यहाँ से एम्बुलेंस में कौन जाएगा। साले आजा साले। सक्षम रॉकी क्या करो, स्टॉप इट। तुम लोग ए रुको, क्या गुंडा करती है ये, बुलाऊं मैं पुलिस को? मैम प्लीज, मैम आप मेरी एक बार बात तो सुनिए। मुझे कुछ नहीं सुनना पलक, तुम्हारे पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर दिया है, तुम यहाँ नहीं रह सकती, जाओ। मैम मैम प्लीज मेरी एक बार बात सुन लीजिए, मैम प्लीज मेरी। बहुत अच्छी औरत है, उसकी मोहल्ले में हर किसी से बनती थी, लेकिन जब से वो घपला हुआ है सब बदल गया है। कैसा घपला? मोहल्ले में कुछ 30 औरतों ने मिलकर एक बीसी शुरू की थी, हर महीने उसमें 500 रुपए डालते थे। कांता नाम की एक औरत थी जो इस सब का रिकॉर्ड रखती थी। कांता और मीना इन दोनों की आपस में बहुत अच्छी बनती थी। एक दिन कांता गायब हो गई और फिर नंदिनी के पति योगेश ने बहुत बवाल खड़ा किया था। झूठ मत बोल मीना, तू भी मिली हुई है ना उस कांता से? तेरे भरोसे पर अपनी सारी बचत के पैसे जमा किए थे हमने। योगेश भाई कांता ने धोखा दिया, उसमें मेरी क्या गलती? मेरे पहले से वो यहाँ रहती थी ना, सब तो जानते थे उसे। लेकिन तुम लोग गुपचुप तरीके से मिलते थे, कांता के गायब होने से पहले भी तुम उससे मिली थी एक बार। अरे लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं कि मतलब कुछ नहीं, हमें हमारे पैसे चाहिए बस। मेरे पास कोई पैसे नहीं है। पैसे वापस कर, वरना मैं तेरी जान से मार दूंगा। पैसे वापस कर मेरे, मुझे नहीं पता। पैसे वापस कर, पैसे वापस कर मेरे। ए क्या कर रहा है, वापस कर, पैसे वापस कर, पैसे वापस कर, मुझे मेरे पैसे वापस कर, मुझे नहीं पता। मेरे पैसे वापस दे, मेरे पैसे वापस दे, पुलिस को फोन से वापस दे, पैसे वापस कर मेरे। ये योगेश रहता कहाँ है? वो सब तो कुछ महीनों पहले दिल्ली शिफ्ट हो गए। ये योगेश दिल्ली में कहाँ रहता है पता है आपको? नहीं ये तो नहीं पता। सर ये देवकी नंदन सेंसवाल बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्टर है और उसके कई सारे टेंडर्स रिजेक्ट किए थे साहित्य ने। हमने बोला ना किसी और से बात नहीं करेंगे हम, साहित्य श्रीवास्तव को बुलाओ। कहाँ छुपा बैठे? मैं हूँ साहित्य श्रीवास्तव,
बताइए क्या काम है? काम तो तुम अपना ठीक से नहीं कर रहे हो। देवकी नंदन नाम है हमारा, हमारा टेंडर कैसे नहीं पास हुआ? मैंने जो कुछ भी किया है नियम के हिसाब से किया है। नियम टालो अपने। आप बदतमीजी कर रहे हैं। बदतमीजी अभी देखे नहीं हो हमारा। अरे जो बार बार नियम नियम कर रहे हो ना, ये नियम तुम्हें बहुत जल्द जम के पास ले जाएगा। मैं आपकी धमकी से डरने वाला नहीं हूं। अब देखना, तू डरेगा भी और रोएगा भी। और यही हुआ सर, क्योंकि उसके बाद साहित्य पे ईडी में फाइल कंप्लेंट की गई और उसे सस्पेंड भी कर दिया गया। और ये सब देवकी नंदन की धमकी के बाद हुआ? जी सर, लेकिन इतना ही नहीं हुआ सर, उस पर हमला भी हुआ था। साला ज्यादा हीरो बनने का शौक भी मेरे को। कि साहित्य पे वो हमला देवकी नंदन ने करवाया था। और इसी के बाद साहित्य का ट्रांसफर दिल्ली हुआ? जी सर, उसने साहित्य का ट्रांसफर दिल्ली इसलिए करवाया ताकि वो उसे ह्यूमिलेट कर सके। साहित्य पे ये हमला हुआ कहाँ था? सर यही ऑफिस के सामने वाली लेन में। मीना, तुम जहां भी हो प्लीज लौट आओ। अगर मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो आई एम सॉरी, प्लीज नव्या को लेकर आ जाओ प्लीज। मैं क्या करूं मीना, मैंने पुलिस को फोन करके शिकायत दर्ज की ना, अब वो देख लेंगे योगेश को। अब सामान अंदर रखो प्लीज। अरे कैसे मर दो तुम, तुम्हारी बीवी पे हमला हुआ, मेरी जान जा सकती थी, मेरा गला दबाया गया, वो तुम्हारा खून नहीं खोला मुझे देखकर। मैं क्या करूं, वो पुलिस का काम है, पुलिस को करने दो। देखो मैं कानून हाथ में नहीं ले सकता, ये सब बंद करो प्लीज, सामान अंदर रखो। जो आदमी अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सकता, ऐसे पति के साथ मुझे नहीं रहना। चल नव्या, जिद मत करो प्लीज, रुक जाओ। चल नव्या। मीना प्लीज रुक जाओ, मीना प्लीज रुक जाओ, मीना प्लीज वापस आ जाओ नव्या को लेकर। मीना तुम पहले जब भी गई वापस आई, इस बार भी आ जाओ। सर ये लड़का जिसने साहित्य की पिटाई की थी, लखनऊ पुलिस उसकी तलाश कर रही है। लखनऊ पुलिस से बात की मैंने। पर योगेश का क्या हुआ, जिसका मीना से झगड़ा हुआ था, कुछ पता चला कहाँ? अभी तक तो नहीं सर, पता कर रहे हैं। उस देवकी नंदन से ही मिलना पड़ेगा, लेकिन पहले साहित्य से मिलते हैं। अशोक यहाँ क्या कर रहे हो? साहब मैंने इनको बुलाया साहब, वो साहित्य है ना हमारा पड़ोसी, उसको कहीं अंदर बंदूक रखे हुए था और मैं इधर ही रहता हूँ साहब, उसके चेहरे पे बहुत सारे खून के निशान थे। एक मिनट, अब पहले सांस लीजिए, फिर तफसील से बताइए क्या देखा आपने। साहब मैं सब्जी लेके बाजार से आ रहा था, बाहर एक काले रंग की गाड़ी खड़ी थी, गेट पे गाड़ी लगा दिया, अक्कल नाम की चीज ही नहीं है। अरे फिर मैं ना अंदर साहिब के घर से टूटे फूटे की आवाज सुनी, जब मैं आया तो दरवाजे को धक्का दिया लेकिन दरवाजा खुला नहीं, फिर मैं खिड़की से देखा तो साहित को ना कोई बंदूक रखे हुए था सर पे और उसके चेहरे पे मार के निशान थे। ये देख के डर गया साहब, फिर मैं जाके हवलदार साहब को बुला के लाया, जब मैं आया तो देखा दरवाजे में ताला लगा हुआ और वो काले रंग की गाड़ी भी गायब थी। वो जो काले रंग की गाड़ी थी उसका नंबर याद है आपको? साहब नंबर तो याद नहीं, लेकिन हाँ यूपी का नंबर प्लेट था। इस विंडो से देखा था आपने? हाँ साहब। ताला तोड़ सर। सर इतने खून के धब्बे, साहित्य को बहुत बुरी तरह से पीटा होगा उसने। पहले साहित्य की बीवी और बेटी को गायब किया गया, मुमकिन है सब किसी एक ही शख्स का काम हो, पर ऐसा कौन है जो साहित्य और उसके परिवार के पीछे इतनी बुरी तरह से पड़ा हुआ? साहित्य के गायब हो जाने से गुत्थी और ज्यादा उलझ गई थी। देवकी नंदन और योगेश दोनों पुलिस के प्राइम सस्पेक्ट्स थे, लेकिन दोनों गायब थे, पुलिस उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रही थी। साहित्य पर जिसने हमला किया था पुलिस को उसकी भी तलाश थी, पुलिस को शक था कि देवकी नंदन ने उसे हायर किया था इस काम के लिए। लेकिन जब सच सामने आया तो न सिर्फ पुलिस के सारे अनुमान गलत साबित हुए, बल्कि जो सामने आया वो किसी की भी सोच से परे था। रीना ये पलक है जिसके बारे में बात कर रहा था,
थैंक यू सर, थैंक यू मैम। अरे पलक, थैंक्स की क्या जरूरत है, इस घर को तुम अपना ही घर समझो। और हमारी भी एक छोटी बेटी है, हॉस्टल में पढ़ती है वो, उसका कमरा आज से तुम्हारा। चलो आ जाओ, तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाती हूँ। मुझे कुछ पैसे चाहिए थे, शॉपिंग करनी है, देना जरा। यार इस महीने बहुत खर्चा हो गया, नेक्स्ट मंथ। तुम ना हर महीने ऐसे ही करते हो, इस बार तो मैं खर्चा कर देती हूँ और मंथली खर्चे के साथ मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। हाँ हाँ ठीक है, ले लेना। विजय सर 2000 रुपए ले रही हूँ, जरूरत है मुझे। थैंक यू। पलक लास्ट टाइम है, इसके बाद ये सब नहीं होना चाहिए। ओ अच्छा, फोटोज भूल गए क्या आप सर? दिखाती हूँ मैं वापस से, ये देखिए। देखा तो आपकी जरूरत पूरी हो रही है मुझसे और मेरी जरूरत पूरी हो रही है आपसे, तो अगली बार कुछ बोलने से पहले सोच लीजिएगा। क्या कर रहा है ये तू? मैंने कुछ नहीं किया, ये पकड़ के खींची मुझे वहां। मैम नोटिस किया बहुत बड़ा, ये इतने दिनों से मुझे ब्लैकमेल करके मेरे साथ गलत काम कर रहे थे। मेरे पास फोटोज है और जब आज मैंने उनके साथ ये सब करने के लिए मना किया तो रहने का ठिकाना दे, तेरे को छोड़ भी जाए घटिया आदमी। छोड़ूंगा नहीं तुझे। देवकी नंदन, योगेश और ये लड़का, इन तीनों में से किसी ना किसी का इस केस से ताल्लुक जरूर है। सर कहाँ? सर मैंने साहित्य के घर और किडनैपिंग एरिया दोनों जगह के डम डेटा स्कैन किए। सर वहाँ पे 3 नंबर्स ऐसे मिले हैं जो मीना के गायब होने के वक्त भी वहाँ एक्टिव थे और सर जब कल साहित्य गायब हुआ तब भी वहाँ एक्टिव थे। सर पहला नंबर ये विजय तिवारी है सर, लखनऊ का रहने वाला है। सर्विस प्रोवाइडर को जो इसने एड्रेस दिया था सर अभी वहाँ नहीं रहता है। और सर दूसरा नंबर देवकी नंदन का है और सर तीसरा नंबर इस लड़के का है, सक्षम नाम है सर इसका और ये भी लखनऊ का रहने वाला है। इस सक्षम का एड्रेस लोकल पुलिस को दो और देवकी नंदन और योगेश उठाओ दोनों को। सर सर अब आपके लोगों ने खामखा उठा लिया हमें, ये इत्तेफाक की बात है। हमारी बहन उसी इलाके में रहती है जहाँ साहित्य रहता है और जिस दिन की आप बात कर रहे हैं उस दिन तो हम साहित्य के घर गए भी नहीं थे, हम तो अपनी बहन के घर में थे। हाँ उससे कुछ दिन पहले हम साहित्य के घर जरूर गए थे थोड़ी मस्खरी करने, लेकिन उसको या उसके परिवार को नुकसान पहुँचाने का हमारा कोई इरादा नहीं था। हमारा बदला उसके साथ उसी दिन पूरा हो गया था जब हमने उसका ट्रांसफ़र लखनऊ से दिल्ली कराया था। अब हम बिना कारण उसको या उसके परिवार को क्यों उठवाएंगे? जब बिना कारण तुम उसे धमकाने के लिए गुंडे भेज सकते हो तो किडनैप भी करवा सकते हो। सक्षम को भेजा था ना उसे धमकाने के लिए। कौन सक्षम? कौन है ये लड़का? असम से हम पहली बार देख रहे हैं इसको। जब तक सच नहीं बोलोगे हमें तुम बार बार देखोगे। दिखाओ जरा से। साहब साहब ऐसा मत कीजिए। साहब मुझे तो पता भी नहीं था कि साहित्य और मीना दिल्ली में है, और गुस्सा तो मीना को लेकर था साहब, मैं उसकी बेटी को क्यों उठाऊंगा साहब? इसको ही भेजा था ना तूने साहित्य को पीटने के लिए? नहीं साहब, मैं इसे नहीं जानता साहब। थोड़े से साहब मेरी बात तो सुनो साहब। साहब साहब सर ये योगेश और देवकी नंदा दोनों एक ही बात पर अड़े हुए, कुछ नहीं बोल रहे। साहब सर एक कॉमन लिंक मिला है सर, साहित्य के मोहल्ले की एंट्रेंस पे एक CCTV है सर। जिस दिन साहित्य गायब हुआ था उस दिन वहाँ पे एक ब्लैक कलर की कार को स्पॉट किया गया था, ये देखिए सर। और सर सेम कार को उस बस स्टॉप पे भी स्पॉट किया गया था जहाँ से मीना गायब हुई थी। सर मैंने नेबर से क्रॉस वेरीफाई की, ये वही कार है जो साहित्य के घर के बाहर खड़ी थी। सर ये उस कार के ओनर की डिटेल्स हैं। यूपी का नंबर और विजय तिवारी के नाम पर रजिस्टर्ड है। विजय तिवारी? एक मिनट सर, साहित्य के एरिया में जो 3 नंबर एक्टिव थे उसमें एक नंबर विजय तिवारी का था। लखनऊ पुलिस की मदद लो, ये विजय तिवारी इस खेल का मास्टरमाइंड हो सकता है। सर सर क्या? सर विजय तिवारी की कार दिल्ली बॉर्डर के पास जहांगीरपुरी में स्पॉट हुई है। लोकल थाने से कॉन्टैक्ट करो, पता लगाओ जल्द से जल्द कि ये कार इस वक्त कहाँ है। जाइए सर। जाइए Thank you.
कांस्टेबल संदीप जख्मी, उसे ऐसे नहीं छोड़ सकते, हॉस्पिटल भेजना होगा। चलो अंदर कवर करो, गो 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 गो, मैडम मैडम जल्दी 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 क्विक जल्दी हॉस्पिटल भेजो। विजय फायर मत करो, तुम्हारी जो भी डिमांड है हम पूरी करेंगे, लेकिन पहले साहित्य और उसके परिवार को छोड़ दो। बोलो क्या चाहते हो। विजय अब छुपाने का कोई फायदा नहीं, हम जानते हैं कि अंदर तुम ही हो, तुमने उन तीनों को किडनैप करके रखा हुआ है। हमारी एक टीम तुम्हारे लखनऊ के घर तक पहुंच चुकी है, बोलो क्या चाहते हो। अच्छा किया आप लोग आ गए, मैं आप ही को फोन करने वाला था, कल से बहुत बदबू आ रही है। कौन कौन रहता है यहाँ पर? विजय तिवारी जी, उनकी वाइफ, भाभी जी तो बहुत दिन से दिखाई नहीं दी, और विजय जी भी गायब है। विजय मुझसे बात करो, अपनी डिमांड बताओ, लेकिन पहले साहित्य और उसके परिवार को छोड़ दो। विजय बोलो क्या चाहते हो तुम, टॉक टू मी। ये देखिए, अगर चारों की जिंदगी बचाना चाहते हो तो चुपचाप यहां से चले जाओ। चारों? सर सर, कहीं वो चौथा आदमी मीना के फादर कृष्णकांत तो नहीं? सर रिपोर्ट लिखवाने के बाद वो एक बार ही पुलिस स्टेशन आए, उसके बाद ना वो आए ना उनका कोई फोन। ट्राई टू कॉल है सर। मैं एक टीम पीछे ले जाकर घर के अंदर घुसने की कोशिश करता हूँ। नो नो नो, हम रिस्क नहीं ले सकते, अभी हमें कुछ पता नहीं कि विजय के साथ उसके अलावा कितने लोग। Can't take this risk. अभी यहीं रहो, बट एक टीम तैयार रखो अपने साथ। ओके सर। मैं बस यही कहना है था कि आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो, पर लकीली कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। पुलिस आ गई है साहब, अब हमें डरने की कोई जरूरत नहीं। नहीं, तुम नहीं जानती हो आदमी, आदमी बहुत खतरनाक है, वो खुद को बचाने के लिए कोई कवर नहीं हो मेरे बात। हम गलत सोच रहे थे, घर के अंदर जो आदमी विजय नहीं है, विजय की लाश उसके घर पे मिली है। विजय और सक्षम अगर मर चुके हैं तो अंदर जो किडनैपर है वो कौन है? कुछ समझ में नहीं आ रहा सर, अंदर कौन हो सकता है? ये देखा जा रहा था, जरूरी है पिज्जा किडनैपर्स ऑर्डर करते होंगे। शर्मा पता लगाओ ये पिज्जा कौन ऑर्डर करता था और कौन इसे डिलीवर करता था। क्विक क्विक सर। वक्त तेजी से गुजर रहा था, एक एक मिनट पुलिस पर भारी था, मासूम जिंदगियां दांव पर लगी थी और पुलिस को ये मालूम ही नहीं था कि किडनैपर कौन है और उसका मकसद क्या है। पुलिस को अपना नेक्स्ट मूव प्लान करने में बहुत मुश्किल पेश आ रही थी, लेकिन तभी एक क्रूशियल इन्फॉर्मेशन पुलिस के हाथ लगी। सर काफी दिनों से दो पिज्जा डिलीवर कर रहा हूँ यहाँ, लेकिन पिछले तीन चार दिन से चार पिज्जा मंगा रहा है वो। ये पिज्जा रिसीव कर रहा है लड़का है या लड़की? नव्या चुप रहना, यही रहना ठीक है? ये हाँ साहब, यही ऑर्डर रिसीव करता था साहब, यही है वो। मेरा शक सही निकला। सर काफी देर से ट्राई कर रहा हूँ, कृष्णकांत जी का फोन लगातार बंद आ रहा। शर्मा तैयारी कर, पूरी टीम का बुलेट प्रूफ पहना, घर में घुसने का वक्त आ गया। मुझे माफ कर दो, मैं अपने बीवी बच्चे के पास नहीं जाऊँगा, उनको कुछ मत करो, मेरे परिवार को छोड़ दो। देखो मेरे परिवार को छोड़ दो।
छोड़ो, मैंने दीदी थी तुम्हारी घर। गोली मत चलाना, मैं बोल रहा हूँ गोली मत चलाना वरना हम दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाएंगे। हमें पता चल चुका है अंदर तुम ही हो साहित। अच्छा, आखिर तुम लोगों ने दिमाग लगा लिया ना। लड़की को निकाल उस कमरे से, जल्दी जल्दी निकल कमरे से। साहित्य चुप क्यों हो, बोलो क्या चाहते हो तुम? इंस्पेक्टर बताओ किसे मारो देखना चाहते हो? बताओ, कोई भी सामने आया इंस्पेक्टर तो सबको मार दूंगा मैं। और किस किस को मारोगे? पलक यहां आई थी। ओ, तो पलक ने भेजा तुम्हें, नए पार्टनर है उसके, ब्लैकमेल करने आया मुझे। जाके बोल दो एक पैसा नहीं मिलने वाला, चलो निकलो। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि आपका रिश्ता क्या पलक से? और ये लड़की कौन है? देखो ये तो तुम्हारी अपनी बीवी और बच्चे हैं, छोड़ दो इन्हें। नहीं छोड़ सकता, यही तो प्रॉब्लम है। इंस्पेक्टर अपने आदमियों को लेकर चले जाओ, सब बच जाएंगे, ये तो सब मर जाएंगे सबके। पीछे जाओ, मर दूंगा, चल चल मार दूंगा मैं, कंजी सबको मार दूंगा मैं। नजर खुश कृष्णकांत जी, साहित्य के बारे में आप जो भी जानते हैं सब कुछ बताइए। सर ये साहित्य मेरे दूर के रिश्तेदार का बेटा है, 10 साल का था जब उसके पिताजी उसके छोड़कर चले गए थे। उसके 1 साल बाद उसके माँ ने भी और किसी से शादी कर ली और उसे उसके दादी के पास छोड़कर चली गई। सर माँ मुझे छोड़ के मत जाओ माँ, मैं कुछ नहीं मांगूंगा। मैं तुम्हें कितनी बार समझाया, मैं तुम्हें अपने साथ लेके नहीं जा सकती। माँ माँ मुझे छोड़कर मत जाओ माँ। साहित्य इस सदमे से उबर नहीं पाया सर, लेकिन उसके पास सरकारी नौकरी थी इसलिए उसके दादी की आखिरी इच्छा का मान रखते हुए मैं मीना से उसकी शादी करवाने के लिए राजी हो गया। लेकिन सर बाद में पता चला कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। दिमागी हालत? हाँ सर, वो रूल्स और ईमानदारी को लेकर कुछ ज्यादा ही रिएक्ट करता है सर। पीछे से पड़ जाओ, मैं इसको बातों में जाता हूँ। सुमित आ जाओ। साहित देखो मैं जानता हूँ तुम कायदे कानून वाले इंसान हो, तुम अपनी ड्यूटी को पूरी ईमानदारी से करते हो। देखो हम भी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, इस तरह अपनी ड्यूटी को बीच में छोड़कर नहीं जा सकते। तुम तो कायदे कानून नियम कानून ने मुझे तकलीफ दी है, अब तो आर पार की भारी है। मीना तुमने कभी मुझे दिल से अपनाया नहीं, मेरे अंदर हमेशा खामियां देखी है, लेकिन मैं इसको तुमने क्यों बंदी बनाया हुआ है? पलक जवाब दो पुलिस को। क्या हुआ, चोट लगी? हाँ यहाँ पे, शायद मुंह चाहिए, रुको मैं दवा देता हूँ। काफी अकेले लगते हो तुम, ऐसा लगता है कि तुम्हें ना ही घर में कोई समझता है और ना ही ऑफिस में। सही कहा तुमने। कोई बात नहीं मैं आ गई हूँ। इसका बाप गणेश मेरे स्कूल में सीनियर था, गणेश ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं पलक को रहने के लिए जगह दूं क्योंकि इसको हॉस्टल से निकाल दिया गया था, दोस्त की बेटी थी इसलिए मैंने मदद की, मेरे अंदर प्यार जगाया और
मुझे ठुकरा दिया, यहाँ तक कि अपने अपने बॉयफ्रेंड सक्षम से मुझे पिटवाया भी। मैंने ठान लिया था कि इतनी आसानी से मैं इसका पीछा नहीं छोड़ूंगा। मैंने इसका पीछा करना शुरू किया तो पता चला कि सक्षम के साथ साथ इसने प्रोफेसर विजय को भी फांस रखा है। क्यों मुझे छोड़कर जा रही तुम? साहित्य, मैंने फैसला कर ली। बट मेरे से क्या गलती हुई, फिर क्यों जा रही हो? मैं क्या गलती की? अब तुम मेरा हाथ पकड़ो या सर फोड़ो, कुछ भी करो, मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहने वाली। छुटकारा चाहिए मुझे तुमसे। मीना मीना ऐसा मत करो। देखो देखो मैं अकेला हो जाऊंगा, मुझे छोड़कर मत जाओ मीना, प्लीज मीना। मीना देखो मेरी बात सुनो मीना, बीवी और बच्ची मुझे छोड़कर जा रहे थे, इसलिए मुझे दोनों को किडनैप करना पड़ा और मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं था। लेकिन इंस्पेक्टर अब हो गया ना, ये हमारा अंदरूनी मामला है। आप पुलिस वालों का क्या काम? अब जाओ जाओ आप जाओ। क्यों, अरे क्यों पकड़ा है मुझे? मैं बोल रहा हूँ ना, आप लोग मुझे छोड़िए। देखिए सर, ऐसा नहीं कर सकते आप लोग मुझे। देखिए सर, इसको पता ही नहीं सर मुझे पकड़ के रखा है, ये मेरा फैमिली मैटर, मैं बता रहा हूँ, इसमें कुछ नहीं। मैं दोनों को प्यार करता हूँ, दोनों से दोनों को रखना चाहता हूँ। फैमिली मैटर में सबसे प्यार करता हूँ, मुझे छोड़ के चलते चल जाएंगे ऐसे ऐसे। साहित्य इस वक्त जुडिशियल कस्टडी में है और पुलिस जल्दी ही उसके खिलाफ चार्जशीट फाइल करेगी। साहित्य को पता लग गया था कि मीना उसे छोड़कर जाने वाली थी और पलक ने भी उसके साथ रहने के लिए इनकार कर दिया था। साहित्य इस रिजेक्शन को बर्दाश्त नहीं कर पाया और ये शायद उसके ट्रॉमेटिक बचपन के कारण था। बचपन में अपने पिता, उसके बाद अपनी माँ के द्वारा ठुकराए जाने के बाद साहित्य की स्थिति ठीक नहीं थी। उसे लगता था कि हर कोई उसे ठुकरा देता है, उसका तिरस्कार करता है। अकेले रह जाने का डर साहित्य के दिमाग पर हावी हो गया और जब मीना ने उसे छोड़ने की बात की, पलक ने उसका प्यार ठुकरा दिया, तो ये डर दोबारा जागृत हो गया। साहित्य मीना और पलक को अपना बनाकर रखना चाहता था और अपनी इस नामुमकिन सी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए जो उसने रास्ता अपनाया वो न सिर्फ अनैतिक था बल्कि अमानवीय भी था। उसने उन्हीं लोगों की जान खतरे में डाली जिनसे वो प्यार करता था। नमस्कार, मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया क्राइम पेट्रोल सतर्क के आज के एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। तो देखा आपने कि आजकल मर्डर करना कितना आसान हो गया है लोगों के लिए और कातिल आज के ज़माने में प्रोफेशनल हो गए हैं। आएंगे, आपसे आपका नाम पूछेंगे और कत्ल कर देंगे। दो लड़कियाँ जो शहर के दो अलग हिस्सों में रहती थी, दो अलग बैकग्राउंड से आती थी, उन्हें एक ही तरीके से मारा गया। औरतों के खिलाफ जुर्म की कहानी बहुत पुरानी है और सदियों से चली आ रही है, लेकिन इस केस में एक बात कॉमन थी, वो था मोडस ऑपरेंडी, यानी मारने का तरीका बिल्कुल एक जैसा था। तो क्या इन दोनों को मारने का मोटिव सेम था? क्यों मिला इन दोनों लड़कियों को इतना भयानक अंत? बाबा जी की जय, माता जी की जय। बाबा जी की जय हो, दर्शनी माता की जय हो। आज बाबा जी और माता जी दोनों का ही मौन व्रत है। बाबा जी, माझी रेणु का सगळं काही ठीक करते है ना? बस आपका आशीर्वाद बना रहे। बाबा जी की जय हो, दर्शनी माता की जय हो। आइए, आप यहां रुकिए, रेणुका जी थोड़ी देर में यहां आएंगे। ठीक, बाबा जी की जय हो। बाबा जी की जय हो। अरे रेणुका, कैसी हो रेणुका? क्या किया मेरी बेटी के साथ तुम लोगों ने? क्या किया, क्या बिगड़ा था मेरी बच्ची ने उनका? देखिए
ओके आप शांत हो जाइए। अरे आप लोगों के भरोसे तो मैं उसे यहाँ छोड़कर गई। देखिए क्यों किया ऐसा क्यों? आप कृपया शांत हो जाइए। देखिए सब ध्यान में व्यस्त है। आप आइए बाबा जी के दर्शन कर लीजिए। आइए मैं ले चलता हूँ। आप आइए। मेरी बेटी बाबा जी ये क्या किया आपने? मेरी फूल जैसी बच्ची का बलात्कार क्या गलती थी उसकी? नहीं नहीं गलती उसकी नहीं मेरी ही थी। मैंने उसे यहाँ रखा लेकिन मैं छोड़ूंगी नहीं और सबको चिल्ला चिल्ला कर कहूंगी इस आश्रम में गंदा काम हो रहा है गंदा काम। आपके ऐसी बातों से बाबा जी आहत हुए हैं और अब उन पर ऐसे घिनौने आरोप कर रही हैं। देखिए सांसारिक सुखों से बाबा कोसों दूर है। और रही बात आपकी बेटी रेणुका को घर ले जाने की तो आप जानती है ना जो लड़की आश्रम में आती है उसे 3 महीनों का पूरा कोर्स करना पड़ता है। यही नियम है और आपकी बेटी को सिर्फ 1 महीना हुआ है। माला के नियम अगने माहिती नहीं लेकिन मैं मेरी बेटी को यहाँ 1 पल भी नहीं रहने दूंगी। कहाँ है मेरी रेणुका कहाँ है बताइए। देखिए वो ध्यान कर रही है आप उसे नहीं मिल सकती। मैं भी देखती हूँ मुझे उसे मिलने के लिए कौन रोकता है। एक एक को छोड़ूंगी नहीं सबकी शिकायत करूंगी पुलिस में जाऊंगी पुलिस में। जगत बाबा जी और अरे क्या बोलता है तुम्हें? खरतेस बोलती है मी रेणुका मेरी इकलौती बेटी है। उस जगत बाबा ने ना ही उसके साथ बलात्कार किया बल्कि उसे जबरदस्ती आश्रम में बंदी बना के रखा है। आप कुछ कीजिए साहब उसके खिलाफ कंप्लेंट लिखिए मेरी उसे गिरफ्तार कीजिए मेरी बच्ची को बचाइए साहब। हाँ बड़े ठीक है आप ये जो कह रही है इसका प्रूफ है आपके पास? सबूत किसी ने कुछ सुना या देखा हो या? हाँ साहब सचिन ने देखा है। सचिन अनाथ है बचपन से मैंने ही उसे पाला है अब वो हमारे साथ ही रहता है। वो कभी कभी रेणुका से मिलने आश्रम जाया करता था ये पूछने के लिए कि उसे किसी चीज की जरूरत तो नहीं। हमेशा की तरह जब वो कल उसे मिलने आश्रम गया था तब ये सब कैसे हुआ किसने किया ये? बाबा बहुत खराब है वो हर दिन मेरे साथ जबरदस्ती करता है। कुछ दिन पहले जब आई मिलने आई थी तब उसने मुझे अपने विश्राम गृह बुलाया। बाबा जी आप मुझसे मिलना चाहते थे? रेणुका तुम्हारी ट्रेनिंग का दूसरा पड़ाव आ चुका है इसके लिए तुम्हें परीक्षा देनी होगी। कैसी परीक्षा बाबा जी? तुम्हें हमारे पैर दबाने होंगे। बाबा जी लेकिन हमारे यहाँ लड़कियाँ पैर नहीं दबाती। तो फिर ये ट्रेनिंग कैसे पूरी होगी? तुम्हें अपने आप को पूर्णतः समर्पित होना पड़ेगा। समर्पण की भावना ही सर्वोपरि है। आओ डरो नहीं शंभू। पैर दबाओ। दोनों हाथ से दबाओ। जी बाबूजी। थोड़ा ऊपर और थोड़ा ऊपर और थोड़ा ऊपर। पता है बेटा बाबा जी तुझे अपनी शिष्या बनाने के लिए तैयार है। कितनी खुश नसीब है तू। अरे बाबा जी का आशीर्वाद ऐसे ही किसी को नहीं मिलता। अब तो तेरी जिंदगी की निकल पड़ी बेटा। आई मुझे नहीं जाना किसी आश्रम वाश्रम। अगर काकी इसकी जिंदगी वैसे भी बन जाएगी इसके लिए उसको किसी बाबा की जरूरत नहीं है। रेणुका वैसे भी टैलेंटेड है। तुम ही दोगा गप्पत बसा। रेणुका तुझे बाबा जी के आश्रम में जाना ही होगा और देखना तेरी सेवा से प्रसन्न होकर बाबा जी ने तुझे आशीर्वाद दे दिया ना तो तुझे अमीर पढ़ा लिखा लड़का चुटकियों में मिल जाएगा। बाबा की सेवा का मतलब ये होता है मैं अब और यहाँ नहीं रह सकती मुझे यहाँ से ले चल।
मुझे यहाँ नहीं रहना है। ये देखिए साहब, कैसे जानवरों जैसा बर्ताव किया है मेरे फूल जैसी बच्ची के साथ। उसे छोड़े नहीं, उसे पकड़िए साहब, वरना वो मेरी बेटी के साथ कुछ भी कर सकता है। दिल दहला देने वाली कहानी है। हाँ, लेकिन इससे ये साबित नहीं होता कि रेणुका का रेप जगत बाबा ने ही किया है। काहे बोलता है तुम्हें ऐसा है? आप उसे गिरफ्तार तो कीजिए, वो सब कुछ बताएगा आपको। आप एक एक जैन सर, हाँ आप चिंता मत करो, ऐसा ही होगा। साहब उस जगत बाबा को गिरफ्तार कीजिए, मेरी बेटी गलत लोगों के बीच है, आप उसे वहां से बाहर निकालिए साहब। हाँ ठीक है, हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, आप अभी जाइए। लेकिन साहब आप, अरे आप यहाँ से जाएंगे तो हम इन्वेस्टिगेशन कर पाएंगे ना। हाँ बाहर छोड़ेंगे सर, लेकिन मेरी कंप्लेंट तो लिख लीजिए सर। सर सर मेरी बच्ची, ये सब पुलिस और नेता मिले हुए हैं, माला कोड़ी से मदद करायला तैयार नहीं, और वहाँ उस आश्रम में वो हरकत नाराधम बाबा मेरी फूल जैसी बच्ची के साथ दुष्कर्म कर रहा है, माला न्याय हुआ है, न्याय हुआ है, माला न्याय। कोई कुछ भी बोलेगा आप मान लोगे क्या? हमने आपसे पहले भी कहा है कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है और उसमें टाइम लगता है, और हमें जैसे भी कुछ पता चलता है हम मीडिया के जरिए पब्लिक तक बात पहुंचा देंगे। इस न्यूज में पोटेंशियल है। तुम्हारा मतलब है कि तुम्हारे लिए बहुत पोटेंशियल है? उससे भी ज्यादा सुधीर, मुझे पूरा यकीन है कि इस खबर में बहुत सारे पर्दे खुलने बाकी है। इमेजिन अगर जगत बाबा गिल्टी प्रूव हो जाए तो ये कितनी बड़ी स्टोरी बन जाएगी। फाइन, वाइफ हो मेरी, हाँ तो बोलना ही पड़ेगा। चलो रविकांत, आले गांव चलने की तैयारी करते हैं। नहीं, रवि नहीं आएगा तुम्हारे साथ, रवि को नकली दवाइयों की स्टोरी का फॉलोअप लेना है। ये स्टोरी तुम्हें अकेले ही हैंडल करनी होगी। सुधीर तुम जानते तो मुझे ऐसी स्टोरीज का एक्सपीरियंस नहीं है। आई कैन यूज रवीज हेल्प, एक से भले दो। सुधीर मैं दोनों स्टोरीज मैनेज कर लूंगा। नहीं नहीं देखो कविता, जब तुम ऐसी स्टोरीज हैंडल करोगी तब जाके कॉन्फिडेंस आएगा तुम्हें, इसलिए ये स्टोरी पे तुम अकेले ही काम करोगे। तो अब मुझे ये बताओ घर कितने बजे आओगे? वही डेली का समय, काम खत्म होते ही आता हूँ। ठीक है, सी या। सी या। ये वो भयानक तस्वीरें हैं रेणुका की, आप इसके शरीर पे चोटों के निशान साफ साफ देख सकते हैं। रेणुका ने बताया कि ये चोट के निशान उसे खुद जगत बाबा ने दिए हैं। ये कहानी रेणुका अपनी जबानी खुद आपको बताती, लेकिन उसके परिवार वालों का कहना है कि जगत बाबा ने उसे जबरदस्ती आश्रम में कैद करके रखा हुआ है, और हमारी पुलिस इस केस में ढीला रवैया रखे हुए, क्योंकि जगत बाबा के कनेक्शन बड़े बड़े नेता और अभिनेताओं के साथ है। हमारे सूत्रों से यह भी पता चला है कि पुलिस पर दबाव बनाया जा रहा है इस केस को रफा दफा करने के लिए। चला बंद करा, चला इमोशनल ड्रामा बंद करते बंद करते। अरे अंदर कैसे आ गए ये लोग? हमने सचिन को रेणुका के रेप में और उसे प्रताड़ित करने के जुर्म में गिरफ्तार किया है, ठीक है? अरे लेकिन इन लोगों ने तो कंप्लेंट लिखवाई थी। मैडम हमारे पास प्रूफ है, सचिन और रेणुका आपत्तिजनक स्थिति में थे, वो भी आश्रम के अंदर। खोटा है, खोटा है। अब ऐसा कैसे कह सकते हैं कि वो सचिन ही था? मुझे ये बात बताइए, आता पर्यंत तुम्ही रेणुकाचं मेडिकल का नहीं केलं? झालंय मॅडम, संध्याकाळ पर्यंत तुम्हाला रिपोर्ट मिळतील, लेकिन हमारे पास जो फोटो और वीडियोस है ना उसमें इस हीरो की शक्ल साफ दिखाई दे रही है, इसलिए आज से ये मेरा मेहमान है, ठीक है? और आप चिंता मत करो, शाम तक आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। नमस्कार सर। लेकिन मैंने कुछ नहीं किया है, पुलिस वाले सचिन को फंसा रहे हैं ताकि वो बाबा जी को बचा सके, आप कुछ करो ना। आपको यकीन है कि सचिन ने आपको सब कुछ सच बताया है? क्योंकि पुलिस वालों के पास उसके फोटो और वीडियोस हैं। ये आप क्या बोल रही हो? सचिन पर माझा भी जास्त विश्वास है, वो ऐसा कर ही नहीं सकता है। कुछ कीजिए आप। रेणु
मेरी बच्ची। रेणु का बेटा खाना खा ले, देख तेरी पसंद की सब्जी बनी है। रेणुका मुझे माफ कर दे बेटा, मैंने ही तुझे बाबा जी के आश्रम में भेजा था, मैं ही तेरी गुनहगार हूँ, मुझे माफ कर दे बेटा, मुझे माफ कर दे। रेणुका रेणुका मेरी बात तो सुन, रेणुका 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 मुझे माफ कर दे रेणुका। हमें पता था ये होने वाला है। सुमन जी और रेणुका जी ने हमें धमकी दी थी, अगर हम आश्रम का सारा पैसा उन्हें नहीं देते हैं तो वो हम पर बलात्कार जैसे घिनौने अपराध का इल्जाम लगाएगी। अब आप हमें बताएं, आश्रम का पूरा पैसा हम उन लोगों को कैसे दें? ये तो सब आपका पैसा है और हम आप लोगों के साथ कोई नाइंसाफी नहीं होने देते। हम तो आपकी सेवा के लिए यहाँ पे है। बोलो बाबा जी की, बाबा जी की, बाबा जी की। सचिन ने यह कबूल किया है कि उसके और रेणुका के बीच में आपसी रजामंदी से शारीरिक संबंध थे, और मेडिकल रिपोर्ट से भी ये क्लियर हुआ है कि रेणुका सेक्सुअली एक्टिव थी। ये पुलिस वाले सचिन पर गलत इल्जाम लगा रहे हैं ताकि उस बाबा जी को बचा सके। पुलिस तो कुछ छानबीन ही नहीं कर रही है, हमें कुछ करना होगा। हेलो हेलो रवि, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। ये स्टोरी मैं अकेले कवर नहीं कर सकती, क्योंकि ये जगत बाबा और दर्शनी माँ टीवी पर अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए झूठा नाटक कर रहे हैं। सुमन और रेणुका ने बताया कि ये जगत बाबा सेक्स रैकेट चलाता है, मतलब रेणुका की तरह और भी विक्टिम्स होंगी। ठीक है मैं एक काम करता हूँ, मैं अपने सोर्सेज से पता लगाने की कोशिश करता हूँ। सचिन के शरीर पर मारपीट के निशान पुलिस के उस टॉर्चर की कहानी को बयां करते हैं जिसकी वजह से सचिन को सारा इल्जाम खुद पर लेना पड़ा। रेणुका का मेडिकल 3 दिन बाद हुआ, क्योंकि 3 दिन तक पुलिस कंप्लेन लेने के मूड में ही नहीं थी, और जब रेणुका का मेडिकल हुआ तो 3rd दिन ही पुलिस ने वो रिपोर्ट पब्लिक की। ये महज एक इत्तेफाक नहीं हो सकता है, जरूर इसके पीछे एक बड़ा नेक्सस काम कर रहा है। हमारे सूत्रों के अनुसार हमें ये बात पता चली है कि रेणुका इकलौती लड़की नहीं थी जिसके साथ ये सब हुआ, उस जैसी कई लड़कियों के साथ बाबा ने शोषण किया था, जो बाबा और दर्शनी माँ के डर से सामने आने को तैयार नहीं है। पुलिस भी उनका रिकॉर्डेड स्टेटमेंट मानने को तैयार नहीं है। एक रेणुका ही है जिसने हिम्मत दिखाई और बाबा का सच सबके सामने लाया, तो क्या ऐसे में रेणुका को इंसाफ नहीं मिलना चाहिए? नारायण राव बोल रहा हूँ। कल सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि हम सभी के लिए एक बड़ा दिन है। मैं मानती हूँ कि जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ है वो तुम्हें कोर्ट में फिर से जीना पड़ेगा। मुश्किल है लेकिन ट्रस्ट मी रेणुका, एक बार ये कठिन समय टल जाएगा ना तो जगत बाबा को जेल होगी और सचिन को जेल से आज़ादी। भले ही दूसरी लड़कियाँ गवाही देने के लिए आगे आने को तैयार नहीं है, लेकिन अगर एक बार जगत बाबा को जेल होती है तुम्हारे साथ उन सभी लड़कियों को इंसाफ मिलेगा। हम इस वक्त रेणुका के घर के बाहर है। बाबा के द्वारा प्रताड़ित लड़कियों में से सिर्फ एक रेणुका ही है जिसने हिम्मत दिखाई है और बाबा के खिलाफ गवाही देने को तैयार हुई है। कल सबकी निगाहें कोर्ट पर टिकी हुई है कि कल क्या होगा। कल एक ऐतिहासिक दिन है जब रेणुका उस जगत बाबा के खिलाफ कोर्ट में गवाही देगी।
कोर्ट की पेशी से सिर्फ एक दिन पहले रेणुका को मार दिया जाना इस बात की तरफ इशारा करता था कि कोई था जो ये नहीं चाहता था कि रेणुका कोर्ट तक पहुंचे। कविता ने इस न्यूज को अपने चैनल पर चलाया ये कहकर कि गुंडा राज चल रहा है, पावरफुल लोग बिना कानून के डर के अपने जुर्मों को अंजाम दे रहे हैं। दूसरे चैनल्स ने भी फुल सपोर्ट किया, इस मुहिम को आगे बढ़ाया, जिसका नतीजा ये हुआ कि लोगों में आक्रोश बढ़ गया और फिर प्रशासन ने मजबूर होकर SIT टीम यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम को नियुक्त किया रेणुका मर्डर केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। जय हिंद सर। जय हिंद। आड़े गांव में आपका स्वागत है। आप तो परसों आने वाले थे ना, अगर आपने हमें इन्फॉर्म कर दिया होता तो हम आपके स्वागत का इंतजाम करते। सोनटक्के तुम्ही कामच असं केलंय, जल्द आना पड़ा। सर क्राइम सीन पर 3 बुलेट शेल मिली थी और सर रेणुका की PM रिपोर्ट में मेंशन है कि उसके साथ एग्रेसिव सेक्सुअल एक्टिविटीज हुई थी। सचिन और रेणुका के बीच में आपसी रजामंदी से शारीरिक संबंध थे, हमारे फाइंडिंग से हमें पता चला है। और हाँ सर, वो फॉरेंसिक रिपोर्ट में माउजर का जिक्र किया है, 3 शॉट फायरिंग हुई थी, 2 छाती पे और 1 पेट पे। सिर के अपने खबरों को अलर्ट कर दो, हिटमैन इन्वॉल्व है और आसपास जितने भी गन सप्लायर है सबकी इन्फॉर्मेशन निकाल। सर CCTV फुटेज मिला? नहीं सर, क्राइम सीन के आसपास कोई CCTV कैमराज नहीं थे तो फुटेज भी नहीं मिला। सर ये चेक करो, कोई CCTV होगा फुटेज कलेक्ट करो। कोई सस्पेक्ट? सर हमने सचिन से जेल में उसके बारे में बात की थी लेकिन उसे कुछ भी जानने को नहीं मिला है, हालांकि हमें लगता है कि ये सारा कांड उसी ने किया है। बाबा का भी तो कांड हो सकता है। चलो बाबा जी के दर्शन करके आते हैं। सर वो आश्रम का सर्च वारंट मिलना जरा मुश्किल है। अच्छी बात है, वैसे भी मैंने 15 साल में आसान काम किए ही नहीं। शिरके मुश्किल है। खड़े चला, गाड़ी काढ़। बाबा जी की जय हो। बाबा जी बहुत प्रसन्न है कि आप जैसे होनहार अधिकारी हमारे आश्रम में पधारे हैं। लीजिए। ये बाबा जी नहीं बोल सकते? जी नहीं, आज बाबा जी और माता जी का मौन व्रत है। यदि आपको इन्हीं से बात करनी है तो 2 दिन बाद आना होगा। क्या कर रहे आप? वाह क्या बात है, तो इस बहाने बोलना तो शुरू कर दिया आपने। ये क्या कर रहे हो? चलो दोनों ने बात करना शुरू कर दिया। तो चलो बताओ, रेणुका की सुपारी किसको दी थी? ये बहुत गलत बात कर रहे आप। बोलो। वो सुमन और रेणुका ये दोनों मुझे ब्लैकमेल कर रहे थे पैसों के लिए, हमने मना कर दिया तो बलात्कार जैसे घिनौने अपराध का आरोप करने लग गए थे। सचिन और रेणुका इनके संबंध थे ये पता है आपको? अगर सचिन और रेणुका के संबंध थे तो आश्रम में मिलने की इजाजत क्यों दी थी उसको? हमें लगा था कि सचिन रेणुका का भाई है, सुमन भी उससे यहाँ पे लेके आई थी, हमें नहीं पता था कि उन दोनों में पाप का रिश्ता है। उन दोनों ने हमारी आश्रम की पवित्र जमीन अपवित्र कर दी है। अच्छा, पवित्र आश्रम? चिरके इनके पवित्र आश्रम का कोना कोना छान मारो, सर्च करो। आप ये नहीं कर सकते, कानून हमें भी पता है। हम कानून के रखवाले, इसलिए सर्च वारंट साथ में लेके आए। सर्च करो शिरके। चलो। ये विभूति, ये हर्बल ड्रिंक, ये सब फॉरेंसिक के लिए भेजो। लेकिन सर सारी चीजें 100% शुद्ध है, इसमें ऐसे किसी भी पदार्थ का वापर नहीं हुआ है जिसे कानूनन बंदी हो। हाँ तो फिर हो जाने दो ना टेस्टिंग, इतना घबरा क्यों रहे, सब पता चल जाएगा। जी सर। इनका मौन व्रत है। अच्छा तरीका है लोगों का मुंह बंद कराने का, है ना? नहीं मैडम, इस आश्रम में आपको अध्यात्म और शांति के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। मैं तो कहता हूँ आप भी एक सेशन अटेंड कर लीजिए, बाबा जी की कृपा रही तो बड़ी शांति मिलेगी। हो गया सर, पूरा आश्रम चेक किया लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला।
आप सचिन के बारे में पता कीजिए, यश प्राप्त होगा। बाबा जी की जय हो। चलो चलो। सर, मैंने इन साहब को सब कुछ बता दिया था सर। इन्होंने मुझे कहा था कड़ी कार्रवाई होगी, उल्टा इन्हीं मलाज पकड़ ला सर। तुझे इसीलिए पकड़ा क्योंकि तू दोषी है। सर मैंने कुछ नहीं किया सर, रेणुका ने मुझे कहा था। वो जगत बाबा 3 महीने के ट्रेनिंग के नाम पे लड़कियों को आश्रम में रखता था। पहले खुद रेप करता था, फिर बाद में दूसरे लोगों से रेप करवाता था। रेणुका ने अपने बयान में सब कुछ बताया था सर, लेकिन इन्होंने मुझे ही पकड़ लिया सर। सर देखो सर, कितना मारा है सर मुझे, बहुत मारा है सर। क्या ये सोन टक्के, हाँ क्यों मारा इतना? और इस केस की इन्वेस्टिगेशन में बहुत ढिलाई बरती है तुम, ठीक तरह से इन्वेस्टिगेशन नहीं किया। सर हमारे फाइंडिंग्स में हमें जो मिला हमने उसी हिसाब से एक्शन लिया। बाबा के खिलाफ क्या एक्शन ली? हाँ उसके खिलाफ बयान तो है तुम्हारे पास। नारायण राव साहब, सर छोटी मोटी बातें होती रहती और इस बार केस हमारे एरिया का है, थोड़ा काम का स्पीड कम रखिए वरना तुम्हारा तबादला ऐसी जगह हो जाएगा जहां तुम्हारी पूरी जिंदगी स्लो हो जाएगी। कहते है क्या? समझ गया सर। सर कविता जोशी आई आपको मिलने। कविता जी बाकी विक्टिम का क्या, जिनके बारे में आप न्यूज में बोल रही थी वो स्टेटमेंट दे सकते हैं यहाँ के? सर बाकी लड़कियां डरी हुई है स्पेशली रेणुका के मर्डर के बाद, लेकिन एक लड़की है पूनम, उसने हमें अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने दिया, लेकिन सिर्फ ऑडियो रिकॉर्डिंग है। अच्छा तो बताओ क्या हुआ था उस दिन? जगत बाबा पहले हर लड़की को खुद टेस्ट करता है और उसके बाद उस लड़की को जबरदस्ती पॉलिटिशियंस, इंडस्ट्रियलिस्ट और सेलिब्रिटीज के साथ सोने पे मजबूर करता है। अंकल प्लीज प्लीज मेरी मदद कीजिए। ओ अंकल बोलती है। दर्शनी मैं हूं ना, मैं उसे समझाऊंगा, उसे बताऊंगा कि मुझे क्या कहना है। आश्रम में हर लड़की के साथ यही होता है, मेरे साथ भी हुआ। अरे रिकॉर्डिंग तो सनसनी मचा सकती है, लेकिन ये तब तक हमारे काम का नहीं जब तक पूनम खुद यहाँ आके स्टेटमेंट नहीं देगी, क्योंकि स्टेटमेंट के बिना ये रिकॉर्डिंग कोर्ट खारिज कर सकता है। सर पूनम अभी शादीशुदा है सर, और उसने हमसे रिक्वेस्ट की थी कि उसके परिवार की इज्जत पे कोई बात नहीं आनी चाहिए। फिर तो हमें जगत बाबा और दर्शनी माँ को पकड़ना होगा। अच्छा कविता जी, क्या आप किसी गन सप्लायर या हिटमैन को जानती हैं? क्योंकि आपका चैनल क्राइम स्टोरीज भी कवर करता है। आप क्राइम की सारी स्टोरीज ये रवि हैंडल करता है। और सर मेरे सोर्सेज के अकॉर्डिंग शूटर शंकर कामले हो सकता है। हाँ। और इस एरिया का जो लोकल गन सप्लायर है वो है गणेश गायटोंडे, लेकिन मैं 100% श्योर नहीं हूँ सर। नो प्रॉब्लम, छोटी सी छोटी इन्फॉर्मेशन भी हमारे काम आ सकती है, बाकी हम ढूंढ लेंगे। थैंक यू। थैंक यू सर। सर वैसे एक और एंगल हो सकता है, आई मीन हम इस सचिन की बात पे पूरी तरह से विश्वास नहीं कर सकते। सर हो सकता है कि सचिन का और रेणुका का अफेयर चल रहा और जिसका पता सुमन को चल गया और उल्टा सुमन बाबा को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही हो। पॉसिबल है, लेकिन सिर के हम किसी को भी क्लीन चिट नहीं दे सकते, फिर सुमन हो सचिन हो ये शूटर हो या ये कविता जोशी। लेकिन कविता जोशी क्यों सर? सिर के कविता जोशी न्यूज चैनल वाली है, न्यूज चैनल वाले दोनों तरफ से बचते हैं, टीआरपी के लिए। हो सकता है ये चैनल के लिए दिखावा कर रही हो कि ये रेणुका के साथ है, लेकिन असल में किसी और के लिए काम कर रही हो। Thank you.
हाय हाय। मुझे पता है सुधीर मुझे धोखा दे रहा है। एक तुम ही तो हो जिससे ये सारी बातें मैं शेयर कर सकती हूँ। सर, रेणुका पे जहाँ गोली चली थी वहाँ से 50 मीटर आगे एक सीसीटीवी कैमरा था सर, वहाँ की फुटेज मिल गई है। सोनटक के बोल रहा था वहाँ सीसीटीवी नहीं है। सर ये सोनटक के का कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे। लगा ये देखिए सर, जब रेणुका पे फायर किया गया एक बाइक पास होते हुए दिख रही है, और वहाँ के लोगों ने बताया भी था कि उन्होंने एक बाइक की आवाज़ सुनी थी। और ये देखिए, फायर करने के 10 मिनट पहले और 10 मिनट बाद तक उस एरिया में कहीं भी कोई बाइक पास नहीं हुई। तो शिरकी, इसका मतलब ये कातिल है। इसका चेहरा नहीं दिख रहा है, हेलमेट पहना है, रुमाल जैसा कुछ बांधा है इसने। गाड़ी का नंबर पहले 2 डिजिट दिख रहे हैं सिर्फ, 69। सिर के पता करो आरटीओ से किसके नाम गाड़ी है। ठीक है सर। क्या वो लड़की मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत है? कौन सी लड़की? वही जिसके लिए तुम मुझे धोखा दे रहे हो, टू टाइमिंग कर रहे हो। धोखा तो मैं नहीं दे रहा हूं तुम्हें, और अगर तुम्हें धोखा दे भी रहा होता तो मैं टू टाइमिंग नहीं 3 टाइमिंग कर रहा होता, क्योंकि 2 टाइमिंग तो मैंने तुम्हारे साथ किया था जब मैं अपने पहली वाइफ के साथ था। 2 टाइमिंग तो तुम कर रही हो उस रविकांत के साथ मिलके। क्या ये मुझे पता नहीं है? ये सब क्या बोल? मैं प्रूफ देता हूं। सुधीर, ये सब क्या है? तुम मेरी जासूसी करवा रहे हो? मैं एक न्यूज चैनल का ओनर हूं। अपनी पहले से किया ही होती है डोंट ट्रस्ट एनीवन। दूसरी बीवी पे तो मैं बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकता। क्या ये सब रविकांत के गर्लफ्रेंड को पता है? नहीं, नो प्रॉब्लम, मैं जाके बता रहा हूं। सुधीर। हाय अंकिता। हाय, क्या मैं आपको जानती हूं? जी नहीं, मेरा नाम लीना है, लेकिन आज के बाद तुम्हें खुशी होगी कि तुम मुझे जानती हो। सर, क्या हुआ? मेरे बेटे के कातिल के बारे में कुछ पता चला? कोई पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। घर की तलाशी ले लो। एक्सक्यूज मी मैडम। हे सगळं काय चालू आहे? कळेल कळेल सर। सर देखिए क्या मिला है। ये तो ऑलमोस्ट सिमिलर शर्ट है। सर, सर इधर आइए। सर ये देखिए, मेक एंड मॉडल तो सेम ही है, और ये गाड़ी के फर्स्ट 2 डिजिट 6 और 9 ये भी सेम है। चल अब नाटक मत कर। तेरे दोस्त विनय ने बताया तू रेणुका से प्यार करता था, उसे शादी करना चाहता था। इतना ही नहीं, जो बाइक किलर के पास थी वो तेरे घर के पीछे मिली है, समझा? और तेरे पास जो शर्ट है ना, सेम शर्ट किलर ने उस दिन पहना था। अरे ऐसा कोई योगा योगा चतर गोष्ठी नस्ती। हाँ चल, कन्फेस कर, तेरा टाइम और हमारा टाइम वेस्ट मत कर। चल बोल। हाँ सर, मैंने ही मारा रेणुका को। मैंने चाहता था कि सुमन काकी रेणुका को आश्रम भेजे, अपने उसे नहीं रोक पाया सर। मैं उसे कभी अपने दिल का हाल नहीं बता पाया। मेरे पास ऐसे बहुत सारे मौके थे सर कि मैं उसे आई लव यू कह पाऊं, लेकिन मैं उसे कभी नहीं कह पाया। उसे ये कभी पता नहीं चला कि मेरी जिंदगी उसके आसपास ही घूमती रही।
अब वो नहीं है तो मेरे भी जीने का कोई मतलब नहीं है सर। मुझे मार डालो सर, मुझे मार डालो, मुझे मार डालो, मुझे मार डालो सर, मुझे मार डालो, मुझे मार डालो सर, मुझे मार डालो सर, मुझे मार डालो, मुझे मार डालो सर, मुझे मार डालो सर। इसने तो आसानी से कन्फेस कर लिया। झूठ बोल रहा है शेर की। उसका एक्सप्रेशन देखे, वो उस लड़की से सच्चा प्यार करता था, उसको मार ही नहीं सकता, उसके मन में दर्द है। लेकिन सर उसने सब कुछ अपने मुंह से कबूल किया है, और आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? चार चम्मच शक्कर की चाय दिमाग की बत्ती जलाए। तुमने आज तक किसी से सच्चा प्यार किया है? 5 साल और 15 साल में यही फर्क है सर। वो लड़का रेणुका को मार ही नहीं सकता। पता करो कौन कातिल। पुलिस वाले ढूंढ रहे तुझे। सब मालूम है सुधीर बाबू, आपके लिए बाहर आया हूं, फिर अंडरग्राउंड हो जाऊंगा। तुमने तो मुझे डरा ही दिया। यहां क्या कर रही हो? चलो अच्छा लगा जान के कि मैं आपको भी डरा सकती हूँ। एनीवे, डील के मुताबिक मैंने अपना काम शुरू कर दिया, अब तो आपको अपना काम करना चाहिए। जल्दी। कितना जल्दी? थोड़ा समय दो, मैं डील से पीछे नहीं हटूंगा। इस बार तो मैं पीछे हटने भी नहीं दूंगी, बिल्कुल भी नहीं। अरे मैडम, आप वही हो ना, टीवी वाली रिपोर्टर कविता जी? हाँ जी, बताइए क्या बात है। ए, क्या कर रहा है, नीचे रख। सर मुझे लगता है इसे भी सचिन ने ही मरवाया होगा, क्योंकि कविता जी रेणुका को बचा नहीं पाई थी। तुम भी तो मरवा सकते हो, तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट की थी इन्होंने। तुम इन्वेस्टिगेशन में डिले कर रहे हो, इन्वेस्टिगेशन शुरू करे तुमसे। सर कुछ भी मत बोलिए, मैं आप ही के डिपार्टमेंट का बंदा हूँ। कविता के मर्डर से जहां पूरा देश आहत था, एसआईटी टीम के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। एक तरफ वो रेणुका का मर्डर इन्वेस्टिगेट कर रहे थे और एक और खून हो गया। एसआईटी ने सीसीटीवी फुटेजेस खंगाले, आई विटनेसेस से पूछताछ की, उन्होंने रवि और सुधीर से भी पूछताछ की। रवि और सुधीर को लग रहा था कि रेणुका की तरह कविता के मर्डर के पीछे भी जगत बाबा का हाथ है। इसी बीच आश्रम से कलेक्ट की हुई विभूति और हर्बल चाय के टेस्ट नेगेटिव आए। एसआईटी को लग रहा था कि कविता का खून सिर्फ इसलिए हुआ था क्योंकि वो रेणुका का केस फॉलो कर रही थी। लेकिन क्या कविता की मौत के पीछे सिर्फ एक यही कारण हो सकता है? उन्होंने कविता की पर्सनल लाइफ को खंगालने का सोचा, और इसी बीच उन्हें मालूम चला कि शंकर नाम का एक शार्प शूटर अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आ रहा है। उन्होंने घात लगा के उसे धर दबोचा। कविता और रेणुका को क्यों मारा? बोल, कविता को क्यों मारा? सर मैंने कविता को नहीं मारा, मां कसम, मैं उस दिन मुंबई गया था एक शादी में शामिल होने के लिए। तो कविता को नहीं तो फिर तूने रेणुका को मारा ना? हाँ मारा ना? जी सर, मैंने रेणुका को मारा। सर मुझसे कहा गया था कि रेणुका को मर्डर करने के बाद गणेश गायतुंडी को घर वापस कर देनी है, मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। सुपारी किसने दी थी बता? मैं बताता हूँ सर। बता। मुझे सुपारी शार्प शूटर शंकर ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। ये देखिए आप मेरे पीछे देख सकते हैं, जगत बाबा और दर्शनी माता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, और रेणुका मर्डर केस इस समय सॉल्व हो चुका है। अब जल्द से जल्द सचिन को भी जेल से रिहा कर दिया जाएगा। लेकिन दुख की बात यह है कि इस केस की सफलता चखने के लिए आज मेरी दोस्त और कलीग कविता हमारे बीच में नहीं है। लेकिन मैं आशा करता हूं कि वो जहां कहीं भी होगी इस केस के फैसले से बहुत खुश होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि पुलिस जल्द से जल्द उसके कातिलों को पकड़ लेगी। मैं रविकांत देसाई, कैमरामैन अजीत शर्मा के साथ, पुणे फर्स्ट 24/7। सर ये शंकर सही कह रहा है, 13 फरवरी को वो मुंबई में एक शादी अटेंड करने गया था और उसके अगले दिन वापस लौटा है। सर वो कविता को नहीं मार सकता। इसका मतलब कविता के मर्डर के पीछे कोई और है। सर एक और बात, ये
कविता सुधीर की दूसरी बीवी थी, उसकी पहली बीवी का नाम लीना है सर। अच्छा सर, हाल फिलहाल में बहुत सारे लोगों ने लीना को सुधीर के ऑफिस और घर आते जाते देखा है। सर इन दोनों का एक 12 साल का बेटा भी है जो पंचगनी मिलिट्री स्कूल में पढ़ता है। और सर सुधीर के ऑफिस में ये कविता जर्नलिस्ट थी, फिर इन दोनों के बीच में अफेयर शुरू हुआ और तकरीबन एक साल पहले इसने इससे शादी की है सर। हमने लीना के CDR चेक किए सर, लीना 4-5 महीने से एक इन्वेस्टिगेशन के टच में थी। प्रतीक सहाने नाम है उसका। प्रतीक सहाने? सर लीना जी ने मुझे हायर किया था वो कविता और रविकांत पर नज़र रखने के लिए। मैंने रवि और कविता के दोनों के फोटोग्राफ्स लीना जी को भेजे थे। सर उन्होंने मुझे सुधीर पर भी नज़र रखने को कहा था और तब मुझे पता चला कि वो एक्ट्रेस मोहिनी के साथ सुधीर का अफेयर चल रहा है। आपका मतलब एक्ट्रेस मोहिनी वाटपे, मगर वो तो शादीशुदा है और उनके हस्बैंड का नाम प्रमोद वाटपे है। दिखावे की शादी है मैडम, सर पब्लिक के लिए की है। सच्चाई तो ये है कि सुधीर प्रमोद को हर महीने पैसे भेजता है ताकि वो मोहिनी के साथ गुलछर्रे उड़ा सके। ये देखिए सर, मैंने इन्वेस्टिगेशन में कुछ फोटोग्राफ्स क्लिक किए हैं, ये देखिए। ये गन देने वाला कौन है? ये गणेश गायतोंडे है सर। पूरे कमरे की अच्छे से तलाशी लो। सर क्या ढूंढ क्या रहे हो आप? आप चुपचाप यहीं खड़े रहिए। अरे सर विदाउट वॉरंट आप कैसे सर्च कर सकते हो? वहां पे कुछ नहीं है सर। अरे मैम मैम कुछ नहीं है वहां पे। क्या ये किसकी गन है? ये गन मैंने सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए खरीदी थी। लाइसेंस है इसका? है लाइसेंस? प्रोटेक्शन के लिए खरीदी थी या फिर मर्डर करने के लिए? कविता का मर्डर तूने किया ना? नहीं सर, सर मैं निर्दोष हूँ। जरूर अभी करने कविता को मारा होगा, जब देखो तब कविता को चिपकता था। खड़े अरेस्ट करो इसे। अरे सर, सर मैंने कुछ नहीं किया सर। और रविकांत को थाने बुलाओ। सर मैं माँ कसम खाता हूँ, मेरा और कविता का कोई चक्कर नहीं था सर। सर हम दोनों दोस्त थे, एक दूसरे के कलीग थे सर, एक दूसरे को अच्छे से समझते थे सर। इतने अच्छे समझने लगे कि तुमने तुम्हारी गर्लफ्रेंड अंकिता को छोड़ दिया? सर अंकिता बहुत पजेसी हो गई थी मेरे लिए, इसलिए ब्रेकअप हुआ हमारा। होगी हाँ, तुम्हारी नजदीकियां जो बढ़ रही थी। सर आपको गलतफहमी हुई है, मैं और कविता एक दूसरे का दुख दर्द बांटते थे, कोई अफेयर अफेयर नहीं था सर हमारा। और ये बात मैंने अंकिता को भी समझाई लेकिन वो समझने का नाम ही नहीं लेती थी, तंग आ गया था सर उस समय, इसलिए ब्रेकअप कर लिया मैंने। इनफैक्ट सर ये सुधीर को दिक्कत थी मेरी और कविता की दोस्ती से। और सर कविता ने मुझे बताया था कि इसने किसी आदमी को हायर किया हुआ है हम दोनों पे नजर रखने के लिए। उसने गलत बताया था तुम्हें, प्राइवेट डिटेक्टिव सुधीर ने नहीं लीना ने हायर किया था। सर फॉरेंसिक रिपोर्ट से पता चला है कि जो गोली कविता जी को मारी गई थी वो सुधीर की गन से नहीं फायर हुई थी सर। और सर बैलिस्टिक रिपोर्ट से कंफर्म हुआ है कि कविता और रेणुका जी पे एक ही गन से फायर हुआ था। और सर रेणुका सेक्चुअली टॉर्चर हुई थी, इसके अलावा दोनों की PM रिपोर्ट भी सेम ही है। शिरके PM रिपोर्ट के हिसाब से तो ऐसा लगता है कि रेणुका और कविता इन पे फायर करने वाला आदमी एक ही था। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि जगत बाबा ने कविता को भी मारा होगा? हो सकता है सर, वैसे कविता रेणुका के केस को फॉलो कर रही थी, हो सकता है कि कविता के हाथ कुछ ऐसी लीड लगी हो जिसकी वजह से उसकी जान गई। सर फिर लीना भी हो सकती है जिसने कविता का मर्डर करवाया। सर लीना जोशी का पता लग गया है, हमारी एक टीम उसको लेकर आ रही है। लीना जोशी कविता को क्यों मरवाया? सर मैंने नहीं मरवाया उसे, उसने मुझसे मेरा पति छीना था, फाइनेंशियल क्राइसिस में थी मैं, सुधीर को भी मिस कर रही थी, न्यूज चैनल के ओनर की बीबी होने का रुतबा मिस कर रही थी। मैंने तो सिर्फ रवि और कविता के फोटोज दिखाए सुधीर को ताकि वो भड़क जाए और कविता को तलाक दे दे और वापस मुझसे शादी कर ले। और वही दूसरी तरफ मैंने अंकिता को भी वही फोटोज दिखाए ताकि अंकिता और रवि में झगड़ा हो जाए और उस वजह से रवि और कविता की दोस्ती में दरार आ जाए। मैं तो सिर्फ कविता को परेशान देखना चाहती थी सर, पर मैंने उसे नहीं मरवाया सच में। तुमने उसे मरवाया है या नहीं मरवाया ये हम पता करेंगे, जब तक केस चालू है हमारे कस्टडी में रहोगी।
एसआईटी की टीम रेणुका के कातिल को पकड़ने में कामयाब हो गई थी, लेकिन कविता के कातिल को पकड़ने में उन्हें बहुत मुश्किल हो रही थी। सुधीर, लीना और रवि, इन तीनों में से कविता का कातिल कौन था? या शायद कातिल कोई और था? शायद कोई ऐसा जिसका खुलासा कभी कविता ने अपने न्यूज चैनल पर किया हो। सीसीटीवी फुटेज से एसआईटी टीम को उस बाइक का नंबर मिला जिसका इस्तेमाल कविता के मर्डर में किया गया था, और जब ओनर से बातचीत हुई तो पता चला कि सूर्या जाधव नाम का एक व्यक्ति अक्सर बाइक लेकर जाया करता था उससे। इस बार भी उसने बाइक 12 फरवरी को ली थी, जो उसने 14 फरवरी को लौटाई, और कविता का मर्डर 13 फरवरी को हुआ था। एसआईटी की टीम को पता लगा कि सूर्या जाधव असल में एक हिस्ट्री शीटर है। उन्होंने उसका लोकेशन पता किया और उसे धर दबोचा। ए चिल्ला मत, बोल। सब बता दो। सर, मुझे गणेश गैतुंडे ने कविता को मारने के लिए सवाल दिया था सर, और उसने कहा था कि जैसे रेणुका मरी है बिल्कुल वैसे उसे मारना। एक गणेश गैतुंडे कहाँ मिलेगा? साहब वो मुझे नहीं पता, गणेश गैतुंडे एक जगह रहता ही नहीं। पुलिस अब इस केस को सॉल्व करने की कगार पर थी, पर उन्हें ये नहीं मालूम था कि कविता की सुपारी किसने दी। उन्हें इस बात का ज्ञान जरूर था कि शायद गणेश को इसके बारे में पता होगा, पर गणेश था कहाँ? सुधीर, सूर्या और शंकर के द्वारा गणेश के दिए हुए नंबर्स पर पुलिस ने नजर रखी। उन्हें गणेश मिल गया, और जो गणेश ने बताया उस बात ने पुलिस को और ज्यादा चौंका दिया। मैंने एक गन सप्लाई किया था कविता और रेणुका को मारने के लिए। सुपारी किसने दी थी? रेणुका को मारने के लिए जगत बाबा ने सुपारी दी थी। वो मालूम है हमको, कविता को मारने की सुपारी किसने दी थी? इतना भयानक कदम उठाने की जरूरत क्या थी? लीना ने जो मुझे फोटो दिखाए थे वो देखकर मैं पूरी तरह हिल गई थी, और जब मैंने रवि से सवाल करना शुरू किया उसने मुझसे ही बात करना बंद कर दिया। रवि, तुम कल रात भी लेट से आए, कविता के साथ थे। और तुम फिर शुरू हो गई। तो तुम क्लियर क्यों नहीं करते? क्या क्लियर करूं, कितनी बार क्लियर करूं? तुम सिर्फ बात करना बेकार है। पर रवि सर, रवि ने मुझे डिप्रेशन से निकलने में मदद की थी, और उस कविता के चक्कर में उसने मुझसे ब्रेकअप कर लिया। मैं रवि से बहुत प्यार करती थी सर, मुझे वो अपनी जिंदगी में वापस चाहिए था, इसलिए रवि ने मुझे बताया था कि उसके पास है ना कुछ अंडरवर्ल्ड के लोगों के कॉन्टैक्ट्स हैं। मैंने गणेश को कॉल किया। हेलो, गणेश गायतोंडे? और मैंने उसे 1,00,000 रुपये दिए, उससे कहा कि कविता का मर्डर है ना सेम रेणुका की तरह होना चाहिए, ताकि आप लोग गुमराह हो जाए, और अगर आप लोग मुझे नहीं पकड़ते तो रवि कभी ना कभी मुझे मिल जाता ना। लेकिन हम महाराष्ट्र पुलिस है, हम गुमराह नहीं हुए। सॉरी, तुम्हारा प्लान चौपट कर दिया, कविता के मर्डर केस में हम तुम्हें अरेस्ट करते हैं। जलन और इनसिक्योरिटी को अगर काबू में ना रखा जाए ना, तो उसका रास्ता सीधे जुर्म तक पहुंचाता है, और उसके कारण किसी को अपनी जान गंवानी पड़ती है। जब कविता सुधीर के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रही थी, तो सुधीर को इस बारे में भनक लग गई, और शायद इसलिए वो कविता से छुटकारा पाना चाहता था। उसने गणेश से गन खरीदी, और इस पूरे वाकये को प्रतीक शाहणे ने अपने कैमरा पर कैप्चर कर लिया था, जिसकी मदद से पुलिस इस केस को सॉल्व कर पाई। एक एडवाइस है, अगर आप प्यार करें तो पूरी शिद्दत, पूरी ईमानदारी से करें, वरना प्यार न करें, क्योंकि जहां मरना और मारना शामिल है वो प्यार नहीं है। तो अब मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया लेती हूँ आपसे विदा, फिर मिलूंगी एक और सच्ची कहानी के साथ। आप देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।